नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही कम समय में कच्चे आलू के झटपट से नाश्ता बनाने वाले हैं। अगर आप व्रत हैं तो आलू का यह नाश्ता व्रत में बना सकते हैं। यह नाश्ता बनाने के लिए आपको आलू उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास समय कम है तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर 3 कच्चे आलू लिए हैं। आलू का छिलका साफ करके हमने पानी में डाल दिया है जिससे आलू काले न हों। यहाँ पर हमने पतीले में थोड़ा सा पानी लिया है। अब आलू को हम इसी पानी में कद्दूकस करेंगे। आलू को हम मोटा कद्दूकस कर रहे हैं, इसे हमें बहुत बारीक कद्दूकस नहीं करना है। अगर ये बारीक कद्दूकस रहेंगे तो इसे पकाते समय जल्दी से गलकर आपस में चिपक जाएंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से आलू को कद्दूकस किया है। अब इसे हम पानी से अच्छे से साफ करेंगे, यानी कि हमें इसे 2 से 3 बार पानी बदलकर साफ करना है जिससे आलू अच्छे से साफ हो जाएं। आलू को हमने 2 से 3 बार पानी बदलकर साफ कर लिया है। अब हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो पहले हम मूंगफली को भून लेते हैं। कढ़ाही में हम 1/2 कप मूंगफली डालकर भूनेंगे। मूंगफली हम बिना घी के भून रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी डालकर मूंगफली भून सकते हैं। इसे हम इसी तरह बराबर चलाते रहेंगे जिससे मूंगफली अंदर तक भुन जाए और वो कच्चे न रहें। गैस को हमने एकदम धीमा किया है। मूंगफली अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम इसे दरदरा पीसेंगे। मूंगफली हल्के ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। पूरे मूंगफली को हम नहीं पीस रहे हैं, थोड़े मूंगफली हम साबुत डालेंगे। मूंगफली को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। जो मूंगफली हमने बचाया है उसे भी इसी में डाल देते हैं। अब कढ़ाही में हम 2 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेते हैं। नाश्ता हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे। जीरा को चलाते हुए हल्का से भून लेते हैं। जीरा भुन गए हैं। अब इसमें 2 कटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्च डाल सकते हैं। और इसी में कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे। आलू को डालकर हम जीरा में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब जीरा और काली मिर्च को इसी में मिला लेते हैं। जीरा और काली मिर्च को मिलाने के बाद अब इसी में 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं। अब इसे हम 8 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। गैस को हमने धीमा किया है और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे आलू जले ना, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। 10 मिनट बाद आलू अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं पकने के बाद ये मात्रा में थोड़े कम हो गए हैं। अब ये आलू पककर तैयार हैं। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अगर आप व्रत में नींबू नहीं पसंद करते हैं तो न डालें। और दरदरा पीसा हुआ मूंगफली को डालेंगे। आप चाहें तो पूरे मूंगफली को दरदरा पीस कर डाल सकते हैं या फिर बिना पीसे मूंगफली को डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब सारे चीज़ों को आलू में अच्छे से मिलाएंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, केवल सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, क्योंकि आलू मूंगफली पहले से पके हैं। अब ये व्रत के लिए नाश्ता बनकर तैयार हैं। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से आलू का नाश्ता बनकर खाने के लिए तैयार हैं। अगर आप व्रत हैं तो आलू का यह नाश्ता व्रत में बना सकते हैं। यह नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा।